स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर। हम आपके लिए फिर से एक अगला नया वीडियो लेकर आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, जो कि आपके लिए आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आईआईटी बॉम्बे और किसने हाल ही टंचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो यहाँ ऑप्शन स सही उत्तर है, UIDAI। प्रश्न नंबर दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेलवे परियोजनाओं और मेथेनॉल यानी संयंत्र की शुरुआत की है? तो यहाँ ऑप्शन ब सही उत्तर है, असम। प्रश्न नंबर तीन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो यहाँ ऑप्शन द सही उत्तर है, बांग्लादेश ने। प्रश्न नंबर चार है, किस शहर के बिहू के प्रदर्शन में ग्रीनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गुवाहाटी, अ ऑप्शन सही है यहाँ। प्रश्न नंबर पाँच, डूंगरसाई ओढ़नी राजस्थान के किस कला से संबंधित है? बाटिक कला से, ऑप्शन स यहाँ पर सही उत्तर है, बाटिक कला। प्रश्न नंबर छः, राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन स दतिया, सही ऑप्शन दतिया है। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इनमें से हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन ब यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण को इंगित करता है? ऑप्शन ब सही उत्तर है, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर नौ, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो जो हमारी पृथ्वी वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला, ऑप्शन द यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दस है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? ऑप्शन द सही उत्तर है, बांग्लादेश और भारत को। तो इस तरह से ही आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल को, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।